हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास ट्वेल्थ का केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके बोर्ड लेवल का है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो को अगर शुरू से अंत तक आप देखोगे तभी ये आपको ऑब्जेक्टिव याद हो पाएगा, नहीं तो आप ये ऑब्जेक्टिव नहीं याद कर पाओगे, क्योंकि ये सारे बोर्ड लेवल का ऑब्जेक्टिव है। इसलिए इस वीडियो को पूरी जरूर देखना, और साथ ही अगर मेरे चैनल पर नए आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए वीडियो बोर्ड लेवल का लाते रहता हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन मैं बता दूँ। क्वेश्चन नंबर एक है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, कांच। कांच अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन सोडियम ऑक्साइड यानी कि Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है? ये तो सबको निकालने आता होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा 4। सोडियम में कोऑर्डिनेशन संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुले हैं, बिलियन मोलरता क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 0.25। मोलरता निकालने के लिए फार्मूला होता है एम बराबर गिवेन मास यानी कि दिया गया मास, सॉरी गिवेन मास यानी कि दिया गया जो मास है 2 हो जाएगा 2 ग्राम, और जो मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? इसका मोलर मास हो जाएगा 40 ग्राम प्रति मोल, ये ग्राम हो जाएगा, ये 40 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा गुणे 1000, और जो ml में कितना घुला है 200 में हो जाएगा, ये 2 0 से 2 काट देंगे, 2 5 10 काट देंगे, ये हो जाएगा। अब ये 5 से 8 मरते में काट देंगे, अब 2 से और 8 में भाग देंगे तो हमारा 0.25 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका हिमांक अनमन अधिकतम होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, K2SO4 का हिमांक का अनमन अधिकतम होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 96,500 कूलम विद्युत कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 31.76 ग्राम तांबा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन के कैथोड पर मुक्त होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, सोडियम। सोडियम जो है वैद्युत अपघटन कैथोड पर मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड में पूछा जा चुका है। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है, वेग बराबर K(a)(2)(b)। इस अभिक्रिया की कोटि क्या है? तो कोटि निकालने के लिए जो ए का पावर और बी का पावर होता है उसको हम आपस में जोड़ देते हैं, पावर जुट जाता है, तो 2 और इसका पावर 1 है, तो 2 1 3 इसका पावर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी आपके बोर्ड में आ चुका है। जल में H2+Cl2 सनलाइट की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है, तो HCl अभिक्रिया की कोटि है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 0। तो अभी हमने यहाँ पर जो अभिक्रिया की कोटि निकाले हैं तो उसका पावर जो हमने जोड़ा है, लेकिन यहाँ पर हम पावर नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि HCl जो होता है यह प्रक्रिया, यह प्रायोगिक रूप से ज्ञात है कि इसका अभिक्रिया कोटि 0 होती है, ये प्रायोगिक रूप से ज्ञात है, जैसे NH3 हो गया, उसका भी जो होता है अभिक्रिया कोटि वो 0 होता है, H2 हो गया, ये सब की अभिक्रिया कोटि 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? निम्न में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, गोंद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैव उत्प्रेरक होता है, जैव उत्प्रेरक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक एंजाइम, इसका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा एक एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? ये तो सबको मालूम होगा, पारा, जो कि
साधारण ताप पर द्रव अवस्था में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इसमें से कम आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो हमने बताया है पीछे, इसमें से कम दो ही तीन ऑब्जेक्टिव है जो आपके बिहार बोर्ड में नहीं पूछा है, नहीं तो बाकी सारा ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपको बिहार बोर्ड में 2011 या 13 में पूछा है। सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। इसका सल्फाइड अयस्क का समाहरण फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है XeF4 का आकार होता है, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा। इसका आकार होता है 100 क्या एयर प्लेनर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लेविस अम्ल है। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लेविस अम्ल है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, VF3। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है। H3PO4 है, H3PO4 है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा द्विभाष्मिक अम्ल। इसका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में से हरा थोथा कहते हैं, निम्न में से हरा थोथा कहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा, फेरल सल्फेड N2O7। इसका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, ये भी आपके बोर्ड में आ चुका है। इसका सही आंसर होगा डी नंबर। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्वों के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोना। यह भी आपके बोर्ड में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, K4Fe CN6 क्या है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, जटिल लवण है। ये जटिल लवण है, ये भी आपके बोर्ड में आ चुका है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा तो आप क्वेश्चन बैंक निकाल कर देख लीजिएगा, ये आपके बोर्ड में पूछा है। क्योंकि क्वेश्चन बैंक में बहुत ही क्वेश्चन इधर उधर गलती भी दिया है, जो कि हम सस्पिशन में पड़ जाते हैं कि कौन सा आंसर इसका सही होगा, क्योंकि हमें स्प्रिंट भी दिया है उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किसकी आकृति चतुष्फलक होती है। चतुष्फलक होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, NaCl4 के पावर -2। इसका आकार जो है होता है, यानी कि आकृति चतुष्फलक होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहीं तक बताएंगे। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव मैं बताऊंगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही बोर्ड लेवल का इंटरेस्ट वीडियो लाते रहता हूँ।